हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। फाइनली आपका सेकंड पेपर भी कंडक्ट हो गया है। वो कौन था आपका? वो था आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आप, आज ये जो आज क्या कहते हैं अभी कंडक्ट हुआ है। और एक चीज़ याद रखें, यहाँ पर ग्रुप ए और ग्रुप बी में बटा हुआ है आपका क्वेश्चन, तो इससे आप जो है परेशान नहीं हो। और एक चीज़ बता दूं मैं, यहाँ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फाइनली जो क्वेश्चन मैंने बताए थे कि क्या क्या पढ़ के जाना है, जैसे लास्ट ईयर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और फिर उसके बाद मैं आपको क्या प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपका जो सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ उसमें मैंने बताया था, और फिर क्रैश कोर्स में बताया था कि ये सब चीज़ें पढ़ कर जाना है। आज मैं बताता हूँ, आज आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका आंसर कितना ज़्यादा सटीक है और कितना ज़्यादा बेस्ट रहा है, और क्या क्या प्रीवियस से पूछा गया है, और आगे के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कहाँ से पूछे जा सकते हैं, उन सभी चीज़ों की रणनीति बनाएंगे और उन सभी चीज़ों को समझेंगे। और आप जो है एक एनालिसिस करेंगे कि आपका आंसर कितना सटीक रहा है और कितना बेस्ट रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल रिवीजन। ये रिवीजन नहीं है, ये प्रोविजन है ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है ना, ये रिवीजन नहीं है, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लिखना है आपको, मैंने बोला था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एक लिखना ही लिखना है। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मैंने जो है आपको बोर्ड पर क्रैश कोर्स के नाम से मैंने आपको समझाया था। अगर आपने मेरे वीडियोज को फॉलो किए होंगे तो आपका बेसिक मतलब कि 100% बेस्ट एग्जाम गया होगा। जिन बच्चों ने किया है वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा एग्जाम गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है ना, सेकेंडरी एजुकेशन को मुदालियर कमीशन भी कहते हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन की जो थी गुणवत्ता एजुकेशन की बात करता है ये वृद्धि किस तरीके से होगी सेकेंडरी एजुकेशन में, उसकी आपको पता होगा। ये इसका क्या बताना, ऑब्जेक्टिव सेकेंडरी मुदालियर कमीशन भी कहते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था, मैंने क्या कहा था, आपको वर्धा कमीशन पढ़ करके जाना है, सेकेंडरी एजुकेशन यानी मुदालियर कमीशन पढ़ करके जाना है, और कोठारी कमीशन पढ़ करके जाना है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें बताया था आपको। और क्रैश कोर्स में मैंने आपको बोर्ड पर भी ये सारे कमीशन आपको समझा दिया था। अगर वीडियोज फॉलो किए होंगे तो आपका ऑब्वियसली क्वेश्चन भी अच्छा रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डिस्क्राइब द रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन। वाओ, ये तो पिछले साल पूछा हुआ है ना, पिछले साल पूछा हुआ है ऑब्वियसली। और यही मैंने बोला था आपको कि इसको ऐसे पढ़ करके जाना जैसे कि आपको ये याद है कि क्या कहते हैं हमारे हाथों में कितनी उंगलियां, ऐसे मैंने बोला था आपको 1964 से 86। और ये चीज़ मैंने आपको क्रैश कोर्स के तरीके से आपके अपने बोर्ड पर जाकर के समझा भी दिया आपको। और ऑब्वियसली जिन बच्चों ने मेरे बोर्ड पर क्रैश कोर्स को फॉलो करके देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपका आंसर सच में सारे यूनिवर्सिटी सारे स्टूडेंट से ज्यादा अफेक्टिव रहेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो ये क्या है आपका, कोठारी कमीशन ने बोला हुआ है ना। कोठारी कमीशन के बारे में बताना है आपको अच्छे तरीके से, पिछले साल भी पूछा हुआ था, तो ये क्वेश्चन तो आपने नहीं छोड़ा होगा, अच्छे से लिखा होगा। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन आर फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या है, मौलिक कर्तव्यों के लिए शिक्षा के महत्व के विषय में लिखिए। ठीक है, मौलिक कर्तव्य शिक्षा के महत्व को लेकर के बहुत सारे दिए गए हैं। ये चीज़ें भी आपने पढ़ा होगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एजुकेशन को लेकर के पढ़ा होगा, तो ये भी चीज़ें आई होंगी आपको आपकी नज़र में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइडियलिज्म। ठीक है, फिलॉसफी में से आपको बताया था मैंने, फिलॉसफी जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उस टाइम में मैंने आपको बताया था क्या क्या पढ़ना है आपको। एक पढ़ना है प्रैग्मेटिज्म, एक पढ़ना है नेचुरलिज्म, और एक पढ़ना है आइडियलिज्म। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको इस बात का डिस्कस करा दिया था कि ये सारी चीजें आपको पढ़ के ही जाना है, और ऑब्वियसली आपने ये चीजें पढ़ा भी होगा, और अगर पढ़ा होगा तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको लिखा भी होगा, और लिखने के बाद जो है आपका क्या कहते हैं कि नंबर भी मिला होगा। और आपको ये भी बताया था मैंने कि किसने दिया है ये आइडियलिज्म, जो है प्लेटो ने दिया है आइडियलिज्म, जो दिया हुआ है जब क्या कहते हैं प्लेटो ने दिया हुआ, ये आपको मैंने बताया था अच्छे तरीके से, और बोर्ड पर भी क्रैश कोर्स में समझाया था। अगर आपने वहां नहीं देखा है तो आगे के कोर्स के लिए जरूर क्रैश कोर्स को फॉलो करें। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि डिस्कस द नेचर एंड फॉर्म ऑफ इक्वालिटी, बोला था मैंने देखो पढ़ने के लिए, है ना, मैंने बोला था ना कि ये जो इक्वालिटी पढ़ना जरूर है, किस किस को जो है इक्वालिटी यानी कि समानता का जो दर्जा नहीं दिया गया, चाहे वो क्या है जेंडर के बिहाब पर हो, चाहे एजुकेशन के बिहाब पर हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट के बिहाब पर हो, ये सारी चीजें मैंने आपको बोला हुआ है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप पिछले वीडियो का एक बार जाकर के देख लें, सब चीजें मैंने बोला हुआ है कि ये चीज पढ़ करके जाना है, और इसी रणनीति से आपके क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो ये अंदाजा हो गया है कि क्या क्या पढ़ करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कहा जा रहा है। ये कह रहे हैं
डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी। मैंने कहा था आपको किसको पढ़ करके जाना है, गांधी जी को पढ़ करके जाना है। और उसके बाद ये बताया था ना मैंने, जब मैंने आपको स्कूल ऑफ फिलोसफी जब पढ़ाया था तो वेस्टर्न फिलोसफर और ईस्टर्न फिलोसफर में आया था। ईस्टर्न फिलोसफर में मैंने क्या, वेस्टर्न में कहा था मैंने जॉन डेवी को पढ़ के जाना, ईस्टर्न में क्या कहा था मैंने टैगोर को पढ़ के जाना, गांधी जी को पढ़ के जाना और गिजू भाई को पढ़ करके जाना, ये मैंने आपको बोला था। और यही सारी चीज़ें मैंने बोर्ड पर क्रैश कोर्स में मैंने आपको समझाया था। तो आई होप कि वहाँ से और फिर मेरे वीडियोज़ को फॉलो करके अगर आपने लिखा होगा तो सच में बहुत इफेक्टिव आंसर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डिस्क्राइब इन ब्रीफ द डेवी फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। देखा, पूछ लिया ना जॉन डेवी को, जॉन डेवी को पूछ लिया ना। मैंने बोला था आपको प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग आपको लिख करके आना है, प्रैग्मेटिज्म पढ़ करके जाना है। और ये जॉन डेवी का ही दिया हुआ है, प्रैग्मेटिज्म की बात हो तो ये किसने दिया है, किसका कॉन्सेप्ट है, जॉन डेवी का कॉन्सेप्ट है। ये मैंने आपको बोला था और बोर्ड पर भी समझाया था आपको। ठीक है, अगर अभी भी आप मेरे क्रैश कोर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मैंने आपको वीडियो के लिंक में प्रोवाइड कर दिया, क्रैश कोर्स को जरूर देखें जा करके। वहां से बहुत सारी चीज़ें पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनको जरूर देखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थ्रो लाइट ऑन राइट एजुकेशन। मैंने बोला था आपको राइट टू एजुकेशन जो है ना, क्या कहते हैं, राइट टू एजुकेशन 2009 जो है ये अब जरूर पढ़ करके जाना है। कमीशन क्या कहते हैं कि एजुकेशन के जो कमीशन है उसमें क्या क्या है, वो सब जो मैंने बोला था आपको, क्या कहते हैं कि वर्धा कमीशन, कोठारी कमीशन, राइट टू एजुकेशन, और ये चीज़ तो मैंने आपको बोर्ड पर भी समझाया हुआ है। तो आप ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होकर के लिखे होंगे और आपको आप हैप्पी फील कर रहे होंगे क्योंकि इतना सटीक क्वेश्चन जितना मैंने बोला था वैसे ही पूछे जा रहे हैं आपसे, सारे सटीक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, मेरा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, प्रीवियस शेयर में किस तरीके से मैंने सिलेबस समझाया है और उसके बाद में आपको क्या करना है, मेरा जो बीएड का क्रैश कोर्स है जो मैंने उसी नाम से समझाया है जिस नाम से आपका पेपर है, वहां जाकर के सारे पॉइंट उठा ले, उसी में से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक की भी बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद देखते हैं यहां पर क्या कहा है कि कमेंट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, किसी दो पर आपको लिखना है सिंपली। देखो, कॉमन स्कूल सिस्टम मैंने कहा था आपको और मैंने प्रोवाइड भी करवाया था पीडीएफ के साथ में, वीडियो के साथ में, हर चीज मैंने बोर्ड पर हर जगह समझा दिया। ठीक है, उसके बाद रूरल अर्बन स्कूल, ऑब्वियसली रूरल अर्बन स्कूल में बहुत डिफरेंस होता है। एनपीई बोला था मैंने, आरटीई जब मैंने पढ़ाया था तो उस टाइम में बोला था मैंने नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, यानी कि नई शिक्षा नीति आपको पढ़ करके जाना है 1986 में जो आया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन से मैंने सब आपको बताया था कि ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ करके जाना बात बन जाएगी। तो आई होप कि आपने पढ़ के गया होगा तो आप ऑब्वियसली बहुत इफेक्टिव आपका आंसर भी रहा होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।